इट वॉज द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन विच एसान हैज फॉलोड और अब सारे भारत को भी फॉलो करना चाहिए और छत्तीसगढ़ में उससे पहले से उससे बहुत पहले से है छत्तीसगढ़ वी आर वी नो द कम्युनिटी वी आर फ्रॉम द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वेदर ट्रांसमैन और ट्रांसवूमन दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इसके बारे में क्योंकि आप सभी पूरी मीडिया ने और पूरे भारतवर्ष ने देखा कल एक कैंपेन भी शुरू की उन्होंने अब हमारी बारी है तो जब वो कैंपेन अब हमारी बारी है उन्होंने किया इट शोज कि बहुत सारी चीजें वो जो भ्रांतियां हैं स्टिग्मा है डिस्क्रिमिनेशन है दैट विल बी पुल्ड डाउन एंड आई बिलीव दैट कोई भी चीज इस जमाने में हमें पॉजिटिव लेना चाहिए और लक्ष्मी फिल्म दिवाली पे आ रही है एंड इट्स एक क्षण के लिए आप सभी को सोचना चाहिए कि ट्रांसजेंडर या किन्नर या हिजड़ा जिसे आप कहते हैं वो भी समाज का एक हिस्सा है उनकी जिंदगियों में भी बहुत चीज़ें होती हैं ये तो एक फिक्शन स्टोरी है जहाँ पे एक आदमी के अंदर एक किन्नर की आत्मा आती है और वो किस लिए आती है वो सभी ये फिल्म देखने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा इस फिल्म को जितना मैंने ट्रेलर देखा और सब देखा आई फील इट इज़ अ पॉजिटिव प्रयास है और इस प्रयास को इसके लिए मैंने और किन्नर अखाड़ा ने और मेरे हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए पूरी इंडिया में हम सब ने सपोर्ट किया देखिए हमारे भारतवर्ष में और हिंदू समाज सनातन धर्म में सत्य सनातन धर्म में मुझे लगता है कि अगर हमें नाम से तकलीफ होती है और मैं आचार्य महामंडलेश्वर की गद्दी पे भी हूँ हिंदू सनातन धर्म के जिसे इंग्लिश में हाई प्रिस्टेस कहते हैं तो हमें अपने नाम भी नहीं रखना चाहिए भगवान और देवी देवताओं को क्योंकि कभी कभी मजाक में लोग कितनी गालियाँ दे देते हैं एक दूसरे को और नाम लेके गालियाँ देते हैं वो भी भगवान का नाम है चलिए प्रोडक्शन हाउस और जिन्होंने ये फिल्म बनाई लक्ष्मी बॉम हटा के लक्ष्मी किया इसका भी साधुवाद है क्योंकि जिन लोगों का मन दुख रहा था तो उनका जो भी समझ के उन्होंने चेंज किया उसका भी साधुवाद है और मैं दोनों पक्षों को रिस्पेक्ट करती हूँ पर हर एक चीज़ में कंट्रोवर्सी करने का अब लगता है हमें समय ख़त्म कर देना चाहिए भारतवर्ष में और अब कोरोना का काल है और आगे हमारी जिंदगियाँ कैसी होंगी आने वाला साल कैसे होगा उस पर ध्यान देके हमें आगे बढ़ना चाहिए।